नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शनिवार को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में स्वागत हुआ। समारोह में उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। साथ ही पीएम ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित किया। आइए आपको दिखाते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी माना मेरे लिए एक विशेष आनंद का अवसर है। ये यूनिवर्सिटी देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, और रक्षा का क्षेत्र सिर्फ यूनिफॉर्म और डंडा नहीं है, वो क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसमें वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो, और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। प्रारंभ में गुजरात में वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के रूप में जानी जाती थी, बाद में भारत सरकार ने उसको एक पूरे देश के लिए अहम यूनिवर्सिटी के रूप में उसको मान्यता दी, और आज ये एक प्रकार से देश का नजराना है, देश का गहना है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहाँ जो चिंतन मनन शिक्षा ट्रेनिंग होगी, वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। आज जो छात्र छात्रा यहाँ से पढ़ करके निकल रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज एक और पावन अवसर है। आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, उसने अंग्रेजी हुकूमत को हम भारतीयों के सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। मैं दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए सभी सत्याग्रहियों का पुण्य स्मरण करता हूं, और आजादी के 75 साल जब मना रहे हैं, तब ऐसे वीर स्वातंत्र सेनानियों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज का दिन स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन मेरे लिए भी एक यादगार अवसर है। जैसे अभी अमित भाई बता रहे थे, किस कल्पना के साथ इस यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ था, और स्वाभाविक है कि लंबे अरसे तक मंथन किया, बहुत एक्सपर्ट्स लोगों के साथ मैंने संवाद किया, दुनिया में इस दिशा में क्या क्या हो रहा है उसका अध्ययन किया, और सारी मशक्कत के बाद एक छोटा सा स्वरूप यहाँ गुजरात की धरती पर आते हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के शनिवार को पहले दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इस दौरान अमित शाह ने छात्रों को संबोधित किया। आइए दिखाते हैं अमित शाह ने संबोधन में क्या संदेश दिया। यहां रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में आया हूं। कुछ समय पहले ही हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी रक्षा यूनिवर्सिटी को देश को समर्पित किया और ये यूनिवर्सिटी अब दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी द्रुत गति से कार्य करने में आगे बढ़ेगी। मगर मैं आप सभी को 2002 के दशक 2002 से 2013 के कालखंड में ले जाना चाहता हूं। 2002 से 2013 तक हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को, क्योंकि हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, उन्होंने कानून और व्यवस्था के विषय को एक होलिस्टिक अप्रोच से नए सिरे से देखने की शुरुआत की। अंग्रेजों के समय से एक परिपाटी चली आती थी कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, पुलिस बल, ये सब जनता में से रोजगारी के लिए नौकरी करने वाले लोग आते थे और इसकी एक प्रकार की ट्रेनिंग से व्यवस्थापन करते थे। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने सबसे पहला काम किया समग्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण का। उनके नेतृत्व में गुजरात के 100% थानों का कंप्यूटराइजेशन करने वाला गुजरात सबसे पहला राज्य बना और थानों को कंप्यूटराइज करने का काम। उसके बाद में थानों को कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया और तुरंत ही उसके बाद उन्होंने एक प्रोफेशनल कंपनी हायर कर इसके लिए एक अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाया। मैं बिल्कुल गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो सॉफ्टवेयर में आज भी कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी और वो सॉफ्टवेयर सभी थानों में उपयोग में लाया गया। कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट में कंप्यूटर सेवी कांस्टेबलों को अग्रता दी गई। सभी कांस्टेबल जो नौकरी में थे उनके ट्रेनिंग का एक बहुत विस्तृत कार्यक्रम चलाया गया और पूरे पुलिस बल को कंप्यूटर ऑनलाइन किया। उसके बाद में जेल और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को भी, फॉरेंसिक साइंस लैब को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया और ये तीन समाप्त होने के बाद तीन बड़े इनिशिएटिव लिए। एक सबसे अच्छी, देश में सबसे अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का काम हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के अंदर किया। गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। ये रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी उसी वक्त सोची गई और इसके साथ साथ फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने आप में समग्र विश्व में फॉरेंसिक साइंस के ही विषय को पढ़ाने वाली, इस पर रिसर्च करने वाली और इसकी सारे सवालों का जवाब ढूंढने वाली यूनिवर्सिटी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। पांच राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विपक्षी दलों को एक साथ आने के लिए कहा है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो रही है। ममता बनर्जी ने कहा था कि पूरे विपक्ष को मिलकर चुनाव लड़ना होगा। ममता बनर्जी के बयान के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को ममता बनर्जी पर निशाना साधा। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कहा नहीं, कौन पागल कुछ कहे, हर पागल की बात पर जवाब दे रहे हैं, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। आज की तारीख में सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस के पास 700 MLA हैं, दीदी के पास है। आज की तारीख में
हिंदुस्तान में विपक्ष की जितने वोटें हैं उसमें 20% कांग्रेस पार्टी की जेब में है, उनके पास है। ये बीजेपी को खुश करने के लिए, बीजेपी की दलाली करने के लिए, बीजेपी की पक्का एजेंट बनने के लिए ये तरह तरह की बात कर रहे हैं। जब किसी ने नहीं पूछती इनको नेशनल लेवल पे, तो अपने अहमियत को बचा के रखने के लिए तरह तरह की तर्क उठा देते हैं। कभी कहते हैं ईवीएम की चलते, कभी कहते हैं कांग्रेस की चलते। अरे तुम्हें कौन कहा कि भाई कांग्रेस की जरिए नहीं होते? तुम खुद बनाओ ना, तुम खुद प्रधानमंत्री बना के दिखाओ, कोई हर्जा नहीं। कांग्रेस से क्यों तुम टिप्पणी कर रहे हो कांग्रेस के खिलाफ? अगर कांग्रेस ना होते इस दुनिया में तो तुम जैसे ममता बनर्जी पैदा भी नहीं होती। ये कम से कम जरा ध्यान में रखो। गोवा में गए बीजेपी को खुश करने के लिए, मोगाम्बो खुश हो गए, बस कांग्रेस को हरा दिया तुमने, बीजेपी पार्टी में तुम्हारा रेटिंग बढ़ चुके हैं और क्या। कौन नहीं जानते कि गोवा में जाके तुम कांग्रेस पार्टी के अंदर सेध लगा के कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया और इसके बदौलत बीजेपी पार्टी। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। चार राज्यों में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। भाजपा की इस जीत के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार विधानसभा चुनाव पर अपनी चुप्पी तोड़ी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री गहलोत ने चार राज्यों में बीजेपी की जीत के पीछे हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण करना कारण बताया। आइए आपको दिखाते हैं कि भाजपा की जीत पर क्या बोले अशोक गहलोत। वही मैंने कहा, अभी हिंदुत्व के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर चतुराई से वक्तव्य देकर के चुनाव जीत गए। हालात गंभीर है पूरे देश के अंदर, राज्यों में कोरोना का प्रबंधन कैसा हुआ यूपी के अंदर सबको मालूम है, जन जन को मालूम है। वो सब बात पीछे रह गई, पीछे रह गई क्योंकि आप चतुराई से अपनी बात कहते हैं, पूरा मीडिया साथ देता है। पूरा मीडिया देश का जो गोदी मीडिया कहलाता है वो दबाव के अंदर, खुद मजबूरी में, जानबूझ करके अनजान में, ये तो वो तय करेंगे। पूरा मीडिया आज जिस प्रकार फोकस किए हुए हैं और पूरे चुनाव को फोकस किया, उससे माइंड बदला लोगों का। तो मीडिया का जो पर्दा है, पर्दा आपका मीडिया का स्क्रीन, उसका खेल था और साथ में चतुर्यपूर्ण बातें की गई वहाँ पर। तो मेरा मानना है कि अंतिम विजय सच्चाई की। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार बोलते हैं, चतुर्यपूर्ण बोलते हैं, चतुराई से भरने देते हैं, वो एक पक्ष हो सकता है उनका। अब वो विपक्ष को आरोप लगाते हैं, वो एजेंसियों को जो है बदनाम कर रही है। पूरा देश देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जुडिशरी में क्या हो रहा है, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई में क्या हो रहा है, दुनिया देख रही है कैसे छापे पड़ रहे हैं देश के अंदर एक तरफा, सबको मालूम है। वो उसको लेके भी विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं, चतुर्यपूर्ण रूप से भाषण देते हैं और लोग देखते भाई पता नहीं प्रधानमंत्री बोलने को सच्चाई होगी। आम जनता तक हमें पहुंचाना पड़ेगा सच्चाई को, तब जाकर के मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह बीजेपी वाले लोग भी एक्सपोज होंगे, सच्चाई सामने आएगी और मार्ग जो गांधी के समय। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। भाजपा गठबंधन में 253 तो गठबंधन में 125 सीटें जीत ली। साफ है कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत गई है, लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी को लेकर चुनावी माहौल ठीक है, इसके बावजूद सपा कोई करिश्मा नहीं कर पाई। नतीजों के बाद बीजेपी खेमे में जहां सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में हार पर मंथन चल रहा है। इसी बीच प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने सपा की हार पर अपनी राय जाहिर की है। आइए आपको दिखाते हैं प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद क्या बोले शिवपाल सिंह। के समय अच्छा था, इस समय बहुत अच्छा था, माहौल भी अच्छा था, तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है
और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है, और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं, तो जो भी परिणाम आए हैं, तो जो जनता ने जनादेश दिया है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो आगे भी हम बैठेंगे नहीं, तो जनता के बीच में रहेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। देखिए, वैसे तो विपक्ष मजबूती के साथ जीता है, इतना बड़ा विपक्ष शायद कभी कभी मिला है, लेकिन अब की भी मिला, वोट भी बढ़े हैं। जब हम लोगों ने देखिए सरकार 2012 में बनाई थी, तब लगभग 26% वोट था, और अब की बात तो 32% वोट है, वोट भी बढ़ा है, संख्या भी बढ़ी है जीतने वालों की। तो लेकिन माहौल ऐसा था प्रदेश में, माहौल इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे पूरे तो कोई किया नहीं। जनता इस बीच में दुखी भी बहुत रही है, परेशानियां भी रही, महंगाई भी थी, बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, तो ये कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। मैंने बताया कि खामियां रही हैं। पक्ष का फायदा बीजेपी को मिला, हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं तो देखो फायदा तो। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे KKD News। फील द पावर।